नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे यश राज बैनर की फिल्म पृथ्वीराज के बारे में, जो कि 3 जून को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज की जा रही है। दोस्तों एक मेगा बजट फिल्म है तथा इस फिल्म से बॉलीवुड को बहुत ज्यादा उम्मीदें है। दोस्तों इसमें अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर, सोनू सूद तथा संजय दत्त प्रमुख भूमिकाओं में नजर आने वाले है तथा डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। दोस्तों इस फिल्म की जब घोषणा हुई थी तभी से फिल्म के साथ कुछ विवाद जुड़े हुए हैं जो अभी भी चल रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल दोस्तों गुर्जर समाज तथा छत्तीस समाज यानी कि राजपूत समाज दोनों ही सम्राट पृथ्वीराज पर अपना दावा पेश कर रहे हैं तथा ये कह रहे हैं कि सम्राट पृथ्वीराज उनके समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों इस बारे में गुर्जर समाज वो भी लगातार इतिहास को खंगाल रहा है तथा इतिहास से जो भी साक्ष्य मिल रहे, जो भी प्रमाण मिल रहे है वो अपने पक्ष के समर्थन में पेश कर रहा है कि किस प्रकार से सम्राट पृथ्वीराज गुर्जर वंश से ताल्लुक रखते हैं। वहीं दोस्तों क्षत्रिय समाज यानी कि राजपूत समाज भी लगातार ये कह रहा है, अपनी बात पुरजोर तरीके से कह रहा है कि सम्राट पृथ्वीराज है वो चौहान वंश के है और राजपूत समाज से संबंध रखते हैं, उनसे ताल्लुक रखते हैं। अब दोस्तों इसीलिए शायद जो फिल्म का नाम है वो केवल पृथ्वीराज रखा गया है, जबकि दोस्तों इस बात पर भी काफी आपत्ति उठाई गई थी कि इतने बड़े महान सम्राट, इतने प्रतापी शासक, भारत के सपूत, भारत के वीर सपूत जिन्होंने देश के लिए आस्ते आस्ते बलिदान दिया, किस प्रकार से आक्रांताओं से युद्ध किया, मुगल सेना से युद्ध किया और किस प्रकार से अपनी बहादुरी साबित की, ऐसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम केवल पृथ्वीराज रखना कहां तक उचित है? ऐसी फिल्म का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान होना चाहिए, कम से कम सम्राट पृथ्वीराज तो किया ही जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इतने बड़े प्रतापी शासक का, भारत माँ के वीर सपूत का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाना चाहिए, ऐसी मांग लगातार उठती रही है। लेकिन दोस्तों मेकर्स ने फिल्म का नाम केवल पृथ्वीराज रखा है। अब दोस्तों इस बारे में लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो कर्णी सेना के पदाधिकारी है श्री सुरजीत सिंह जी राठौड़, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक बयान दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ उनका एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है, इसमें उन्होंने कहा है कि उनकी यश राज फिल्म के जो सीईओ है अक्षय वादानी, उनसे मुलाकात हुई है और अक्षय वादानी ने उन्हें विश्वास दिलाया है, भरोसा दिलाया है कि वे फिल्म पृथ्वीराज का नाम बदल करके सम्राट पृथ्वीराज चौहान रख देंगे। दोस्तों इस प्रकार का आश्वासन उन्हें दिया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक यश राज फिल्म्स की ओर से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि क्या फिल्म पृथ्वीराज का नाम बदल के सम्राट पृथ्वीराज चौहान रखा जाएगा या नहीं। लेकिन दोस्तों ये चर्चा जरूर है कि राजपूत समाज वो लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि इतने प्रतापी, इतने महान शासक का नाम केवल पृथ्वीराज से नहीं लिया जाना चाहिए, फिल्म का नाम केवल पृथ्वीराज नहीं रखा जाना चाहिए, उनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ, इज्जत के साथ लिया जाना चाहिए। तो क्या दोस्तों फिल्म का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान या केवल सम्राट पृथ्वीराज रखा जा सकता है, क्योंकि फिल्म के रिलीज में बहुत ही कम समय रह गया है। तो दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दोस्तों आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।